राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चीका में चल रहे 7 दिवसीय NSS कैंप के छठे दिन भी स्कूल की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी श्री हरबंस लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर पत्रकार संघ गुला के प्रधान एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार OP सैनी को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। उन्होंने जहाँ बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया, वहीं पत्रकारिता के बारे में भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई। इस अवसर पर श्यामलाल नारायण दत्त, दिनेश गुरलाल सिंह, अंजू कौशिक, सुखविंदर कौर एवं परमजीत कौर ने भाग लिया। देखते रहिए जिस समाचार वेब टीवी। बेटे आपने जो NSS कैंप जो चला हुआ है गर्ल स्कूल में, इसमें क्या कुछ सीखा है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? गुड आफ्टरनून सर, माय सेल्फ इज लर्निंग, मैं प्लस टू क्लास में पढ़ती हूँ। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा कैंप में, और हमने कैंप में ये भी सीखा कि जो नशा है वो कैसे फैल रहा है और नशे से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो कैसे नशे में दस्ती चली जा रही है। हमारे टीचरों ने हमें ये भी बताया कि नशे एक बहुत बड़ी बीमारी है, और हमने नशे के ऊपर हमारे बाजार में एक रैली भी निकाली थी। और इस कैंप में हमें ये भी सीखने को मिला, ये भी पता चला कि हमें हमारे स्किन टाइप्स कितने कैसे होते हैं, और जो हमारी हमारे अंदर बीमारियाँ फैलती हैं वो कैसे फैलती हैं। नशे के अंतर्गत हमें ये भी पता चला कि जो बीमारियाँ हैं वो आपके स्कूल में जो NSS का कैंप चला हुआ है, इसके दौरान आपने क्या कुछ सीखा है, उसके बारे में कुछ बता सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम रजनी है, मैं 12th क्लास से हूँ। तो 6 दिनों से हमारे यहाँ पर कैंप लग रहे हैं, जो कि 7 दिवसीय हमारा आयोजन हुआ है। यहाँ पर शिविर में सबसे पहले हम आते हैं, गायत्री मंत्र के उच्चारण के बाद हमारा यहाँ पर सारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। शुरू में हमें हमारे जो PT सर है वो हमें बताते हैं, उन्होंने अभी पिछले बीते हुए 6 दिनों में हमें बहुत सारा ज्ञान दिया है। गीता के बारे में बताया है, स्वास्थ्य के बारे में बताया है, मीराबाई, अहिल्याबाई, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी जो संत महासंत हुए हैं उनके बारे में बताया है। उसके बाद सर हम अपने शिविर की सफाई करते हैं, हम समूह में काम करते हैं, जिससे हमें एकता की भावना पैदा होती है कि कैसे हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं। सर हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला है। उसके बाद सफाई वगैरह कर लेने के बाद सर हमें गेम वगैरह भी खिलाई जाती है। हमने पौधारोपण भी किया है, जैसे कि हमारे पर्यावरण प्रदूषित ना हो, पर्यावरण की भी जानकारी हमें यहाँ पर मिली है। उसके बाद सर हमें खेल खिलाया जाता है, फिर हमें लंच वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है सर। उसके बाद फिर हम घर पे चले जाते हैं सर। मैडम जी, यहाँ जो कन्या स्कूल में पिछले कुछ समय से NSS कैंप चल रहा, उसके दौरान बच्चों को क्या कुछ बताया गया, उसके बारे में आप कुछ? जैसे कि यहाँ 1 जनवरी से लेकर अब तक 6 तारीख तक हमारा जो कैंप चल रहा है, तो यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन किया गया है नशे के बारे में, योगासन के बारे में, अच्छे अच्छे महान संतों के बारे में, इनको पोएम, कविता, बीमारियों के बारे में। PC वाली मैडम ने इनको बहुत जागरूक किया इन चीज़ों से लेके, बच्चों को साफ़ सफाई के बारे में, अपना ध्यान कैसे रखें, अपने आसपास के वातावरण को कैसे स्वच्छ बनाएं, पौधारोपण के बारे में टीचरों ने काफ़ी ज्ञान दिया इनको। तो शिक्षा के माध्यम से जैसे एक कंप्यूटर के बारे में भी इनको बताया गया, मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, मैंने भी इनको ये बताया कि कैसे हमारी लाइफ में एक कंप्यूटर का भी महत्व है, कैसे उनसे ज्ञान मिलता है। आजकल जो बच्चों को टैब मिल के इनके माध्यम से कैसे स्टडी की जा रही है, इनको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं। तो ये सब सभी टीचरों ने अपने सहयोग से बच्चों को एक जागृत बनाया है।